नमस्कार, आप देख रहे हैं जिम्र न्यूज का खास कार्यक्रम चंद्रमा का ज्योतिष और वास्तु महत्व यानी कनेक्शन। चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, लेकिन किस तरीके से ये महत्व है, आज हमारे साथ इसी कार्यक्रम में सारे अनुभवों को साझा करने के लिए और चंद्रमा का महत्व बताने के लिए जुड़ चुके हैं पंडित विनय तिवारी जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है चंद्रमा के कनेक्शन से ज्योतिष और वास्तु की, तो बताइए कि किस तरीके से चंद्रमा हमारे जीवन में कार्य करता है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपका नया वर्ष बहुत अच्छा बीते, आपके जीवन में उमंग तरंग बरकत हो, शांति है, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो जाए। आज का विषय हम लोगों ने लिया है ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व। देखिए, कुंडली में चंद्रमा सबसे अहम रोल अदा करता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में सफल होता है तो उसका चंद्रमा बहुत बली होता है, और चंद्रमा बली होगा तो उसके शुभ फल देने की सफलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और चंद्रमा अगर क्षीण होगा, कमजोर होगा, कृष्ण पक्ष का होगा, चतुर्थी तिथि तक का होगा, या अमावस्या का जन्म होगा जब चंद्रमा और सूर्य समान अंश पे हैं, तब जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज्यादा बन जाती है। दूसरी चीज, चंद्रमा की महादशा होती है 10 वर्ष की, और उसके जो नक्षत्र हैं वो है रोहिणी, हस्त एवं श्रवण। चंद्रमा अपनी महादशा में क्या क्या चीजें करता है, आज हम इस चीज को समझेंगे। उसकी महादशा या अंतरदशा में मन प्रसन्न रहेगा, धन की बरकत रहेगी आपके जीवन में। दूसरी चीज, शांति प्राप्त होती है, व्यवसाय में सफलता मिलती है, संतान का जन्म होता है, विदेश यात्रा का सौभाग्य मिलता है, विवाह आदि मांगलिक कार्य आपके होते हैं। इसी के विपरीत दूसरी दिशा में अगर हम चंद्रमा को देखें, जब चंद्रमा प्रतिकूल होगा, अनुकूल नहीं होगा, अमावस्या का होगा, या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मैंने बोला है, जबकि हमारे शास्त्रों में अष्टमी का भी उल्लेख है, लेकिन अष्टमी तिथि तक हमने अनुभव नहीं किया, चतुर्थी तिथि तक का चंद्रमा खराब फल देता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि होती है। रिक्त मतलब होता है खाली, एम्प्टी, उसका फल अच्छा नहीं होता है, नकारात्मक होता है। और चंद्रमा जब खराब हो, उसकी महादशा या अंतरदशा में चिंता होना, मन अशांत होना, माता का देहांत होना, पैतृक संपत्ति की हानि होना, और खास तौर से स्त्रियों द्वारा धन की हानि होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनका चंद्रमा कमजोर है वो कृपा करके स्त्रियों से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि स्त्रियों द्वारा उनके धन की प्रबल हानि हो जाती है, ऐसा देखा गया है। अब दूसरी चीज, चंद्रमा किन किन रोगों का सूचक होता है, हमको यह देखना होगा। जलोदर रोग, पीलिया, निद्रा रोग, खून की कमी आदि चंद्रमा देता है। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि कितना प्रभावशाली हो सकता है चंद्रमा, जब इंसान बहुत पैसे वाला होता है, धन दाने से भरपूर होता है, तो कहते हैं कि इनका चंद्रमा बहुत प्रबल है, तो हमारी जिंदगी में, हमारे ग्रहों में जो चंद्र ग्रहण, जो ग्रह है, वो कितना प्रबल होता है जब हम धन धान्य से पूरे भरपूर होते हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपने स्वामी जी ने प्रश्न पूछा है कि जो लोग अत्यधिक धनवान होते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा से कौन सा योग बनता है। चंद्रमा से वैसे तो कई प्रकार के योग बनते हैं, जो मुख्य योग होते हैं जो व्यक्ति को अत्यधिक धनाढ्य बना देते हैं, उनमें एक होता है गज केसरी योग, दूसरा होता है चंद्र मंगल योग, और तीसरा होता है दुर्धरा योग। अब आपका सवाल यह होगा कि गज केसरी योग से मतलब सिर्फ चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तभी नहीं माना जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने अत्यधिक विपन्न लोगों के, गरीब लोगों की कुंडली में भी गज केसरी योग देखा है। गज केसरी योग तभी फलीभूत होगा जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो। बृहस्पति अस्त नहीं होना चाहिए, बृहस्पति वक्री नहीं होना चाहिए। नंबर दो, बृहस्पति या चंद्रमा दोनों पंचमेश हो, नौमेश हो या लग्नेश हो, तब वो गज केसरी योग का पूरा फल मिलेगा। दूसरा योग होता है चंद्र मंगल योग, चंद्रमा के साथ में मंगल, योग का मतलब होता है कंबिनेशन, दो चीजों का जोड़ को योग बोला जाता है। जब किसी भी मनुष्य की कुंडली में, जातक की कुंडली में चंद्र मंगल एक साथ बैठते हैं तो वो भी अत्यधिक धनवान होता है, भूमिपति होता है, उसका निश्चित रूप से अपना मकान होता है, भूमि का स्वामी होता है, परंतु उसमें एक चीज माइनस होती है, वो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर का रोगी होता है। तीसरी चीज देखा गया दुर्धरा योग, दुर्धरा योग का मतलब होता है चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, उदाहरण स्वरूप एक तरफ बृहस्पति हो, दूसरी तरफ शुक्र हो या बुध हो,
तो दुर्धरा योग बताया गया है, मगर दोनों ही ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए, वक्री नहीं होनी चाहिए, यह कंडीशन है, तब यह बहुत अच्छा योग होता है। यह अत्यधिक धनवान बनाता है मनुष्य को, मित्रों का प्रिय बनाता है एवं विदेश यात्रा का कारक भी हो जाता है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी बातें बताई। ये तो बात हो गई पॉजिटिव, यानी कि जब हमारी कुंडली में चंद्र होता है तो हम धन धान्य से भरपूर होते हैं। कई बार देखा गया है चंद्र होने के बावजूद लोग चारों तरफ से रोग से घिरे होते हैं, निर्धन हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे कुंडली में तो चंद्र योग है फिर भी हमारी यही दशा है। तो वो कब क्या कारण रहते हैं जब लोगों के रोग से घिरे हुए होते हैं जबकि उनकी कुंडली में चंद्र बैठा हुआ है? देखिए, दो तीन योग जो बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में जो अत्यधिक संघर्ष युक्त या आदमी को बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से तोड़ देते हैं, उनमें एक होता है केंद्रम योग। केंद्रम योग बनता है चंद्रमा केंद्र में हो और उसके अगल बगल कोई भी शुभ ग्रह ना हो। यह योग व्यक्ति को धनहीन बना देता है, ऋणग्रस्त बना देता है, कर्जे का आदि बना देता है, वो गलत निर्णय के कारण अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेच डालता है और उसकी आदत होती है कंबल बेच के घी पीना। इसका अर्थ हो गया कि अत्यधिक खर्चीला हो जाता है, वो बिल्कुल लापरवाह का जीवन बीतता है, उसका मां के सुख में कमी हो जाती है। परंतु केंद्रम योग में एक चीज अच्छी होती है कि उस व्यक्ति की निजी आयु लंबी होती है, ऐसा देखा गया है। इसके बाद एक दूसरा योग होता है शकट योग। शकट बोलते हैं पहिए को, चक्के को, व्हील को। जब भी चंद्रमा से छठे आठवें बारहवें में बृहस्पति होगा तो शकट योग बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति वाहन चालक बताया गया शास्त्रों में, जो लोग नॉर्मली टेम्पो चलाते हैं, बस चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनकी कुंडली में यह योग होता है। दूसरी चीज, इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति हमेशा डावाडोल रहती है, कभी धन आता है कभी नहीं आता है, कभी अभावग्रस्त जीवन रहता है। 13 महीने अच्छे जाते हैं और अमूमन 13 महीने इनके खराब जाते हैं। इसके बाद एक योग और होता है, उसको बोलते हैं ग्रहण दोष। यह बहुत खतरनाक योग होता है, चंद्रमा और राहु के मेल से बनता है। जब कभी भी चंद्रमा और राहु एक साथ बैठेंगे तो ग्रहण दोष का निर्माण कर देंगे, जिसमें दलिद्रता भी बोला गया है और अंग भंग तक का योग बोला गया है। ऐसा व्यक्ति मदिरा पान करके अपने पैसे को पूरा या जुआ खेल के चौपट कर देता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी बसंत के फूल नहीं खिल सकते। इसका उपाय जरूर मनुष्य को कर लेना चाहिए। जी जी पंडित जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताएं कि जिस प्रकार से जब हमारे जीवन में चंद्र रुष्ट होता है तो कैसे रोग हमें घेर लेते हैं, कैसे निर्धनता हमारे जीवन में आ जाती है। बहुत देखा गया है कि जब चंद्रमा जो है वो प्रबल नहीं होता है तो लोग उसे प्रबल और खुश करने के लिए मोती का उपयोग बहुत करते हैं। तो मोती का चंद्र से क्या कनेक्शन है, उसकी जानकारी दें। देखिए, हम आपको एक चीज अनुभव वाली बात बता रहे हैं, मोती का तो कनेक्शन है ही चंद्रमा से, लेकिन कोई भी नग होगा, कोई भी आप स्टोन पहनते हैं तो वो 3 साल के बाद वो निष्फल हो जाता है, दोबारा उसकी जागृति करनी पड़ती है। और किसी भी स्टोन की जागृति करना आसान नहीं होता है, उसके सामने 1.25 लाख का जप करना पड़ता है, तब उसमें जान डाली जाती है। उदाहरण स्वरूप, खाली बंदूक और भरी बंदूक में अंतर होता है। देखने में अगर कोई बंदूक आपके सामने रख दे तो वो भरी है कि खाली, कोई भी आदमी नहीं बता सकता। इसलिए जो आपने पूछा कि चंद्रमा के लिए क्या उपाय करना चाहिए, सबसे आसान तरीका यह है, मैं आपको बता दूं, जीवन में एक बार आप लोग करिए, अपना वजन कराइए और वजन जितना चावल जो है, जो भी चावल की क्वालिटी है, आपकी सामर्थ्य है, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार है, वो किसी पूर्णिमा को वायव कोण, उत्तर पश्चिम कोने को बोलते हैं, जो चंद्रमा की दिशा होती है उस तरफ मुंह करके किसी भी स्त्री को आप दान कर दीजिए। एक तो ये काम करिए। दूसरी चीज, ओम नमः शिवाय का जप 108 मंत्रों का आप किसी पंडित से, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार है, दक्षिणा दे करके आप करवाइए, तो उससे आपके चंद्रमा को बहुत ज्यादा बैलेंसिंग मिलेगी, चंद्रमा का अशुभ फल समाप्त होने की चांसेस रहेंगे। सोमवार को सफेद वस्त्र किसी स्त्री को दान कर दीजिए और पूर्णिमा को एक बार केसर डालकर किसी कन्या को खीर का आप दान कीजिए, तो आपके चंद्रमा को बहुत अच्छा फल इसमें आपको प्राप्त होगा। जी पंडित जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, वास्तु की भी हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि चंद्र को जब खुश करना है तो अपने घर में
गंदा पानी ना जमा होने दें, साफ सफाई रखें, मंदिर स्थल पर चांदी की छोटी प्लेट हमेशा रखें, कभी कीचड़ ना घर में होने दें। तो इसके बारे में भी कुछ बताएं कि वास्तु के लिहाज से हमें किस तरीके से सारी चीजों पर ध्यान देना। देखिए, आपके घर की जो उत्तर पश्चिम की दिशा है, जिसको वायव कोण बोलते हैं, उसमें चंद्रमा का निवास होता है। ये दिशा एक तो बहुत ज्यादा भारी ना हो, भारी का मतलब यहां पर लोहे का सामान वगैरह ना रखा हो, सिलाई मशीन वगैरह आपने ना रखी हो तो ज्यादा सही है। दूसरी चीज, इस तरफ आप कांच के बर्तन रखिए। नंबर दो, जो दुकानदार है जिनका सामान नहीं बिक पा रहा है किसी कारणवश, वो चाहते हैं कि हमारा सामान बिके, हमारे यहां बरकत हो दुकान में, तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया उत्तर पश्चिम के कोने में अपना बेचने वाला सामान रखेंगे तो आपका सामान जल्दी बिकेगा। और विशेषकर जो कांच का सामान होता है वो उत्तर पश्चिम दिशा में घर में भी आपको रखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर दर्पण है वो आप रख लेते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि कांच का भी प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी बात है। आपके अगर निजी अनुभव की बात की जाए तो चंद्रमा, आप हवन पूजन भी कराते हैं, आपकी विशेषता है हवन कराना, तो जब हम देखते हैं कि किसी की कुंडली में चंद्र जो है रुष्ट है तो किस तरीके से उसे शांत करते हैं, प्रबल बनाते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप अमावस्या के दिन 6 जटा वाले नारियल ले लीजिए, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है चंद्रमा जब भी कमजोर होगा, चंद्रमा को बल नहीं मिल पा रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल राहु या शनि का होता है। शनि एक योग बना देता है चंद्रमा के साथ बैठ के, विष योग। ये बहुत खराब योग होता है, इस योग को अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें व्यक्ति मुकदमे से परेशान रहेगा, बचपन रोगों से भरपूर रहता है, पिता का ध्यान पहले होने की संभावना रहती है। हालांकि विष योग में, जिसको पुनर्फू योग भी बोलते हैं, हमने अनुभव किया है कि ऐसे व्यक्ति की माता की आयु लंबी होती है। अब आपका दूसरा प्रश्न यह है कि हम चंद्रमा को प्रबल कैसे बनाएं, उसके लिए आपको क्या करना है, 6 जटा वाले नारियल, जटा सहित पानी वाले नारियल बता रहा हूं, एक बार अपने जीवन में अमावस्या के दिन अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में 7-7 बार घुमाइए, 6 नारियल, 6 को 6 को घुमाना है, और जाके बहते जल में जिस तरफ जल की बहाव हो उस तरफ मुंह करके आप डाल दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे चंद्रदेव अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाइए, तो आपको निश्चित रूप से अवश्य लाभ होगा। जी पंडित जी, बहुत सारी हमने बातें कर ली कि किस प्रकार से हमें अपनी कुंडली में चंद्रमा को प्रबल करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, और वो कौन से लोग होते हैं जो धन धान से भरपूर होते हैं और उनके ऊपर चंद्रदेव पूरी तरीके से प्रसन्न भी होते हैं। तो पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि कुछ हमारे दर्शकों के लिए टिप्स दें, कुछ उनको भी आसान से उपाय बताएं जिससे वो अपनी कुंडली में चंद्र को खुश कर सके। देखिए, सबसे आसान एक मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूं, आप अपने घर में अष्टकोण का दर्पण लगवा लीजिए, 8 कोण वाला, वो बाजार में मिल जाता है, आप बढ़ई से बोलेंगे वो बना देगा। अष्टकोण के दर्पण में आप लोग चेहरा देखिए। नंबर दो, अपनी मां को रोज पैर छू करके आप अपना कार्य शुरू करें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। मां का आशीर्वाद लीजिए, यह बहुत अच्छी चीज होती है। बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए और शंकर जी के दर्शन जरूर करिए, तो चंद्रमा जो है शंकर जी के दर्शन से अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपने सुना कि किस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि कौन कौन से ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको आपकी कुंडली में चंद्र को प्रबल करेंगे। साथ ही सबसे बड़ा उपाय बस यही है कि आप अपने माता पिता को सम्मान दें, सभी ग्रह आपसे हमेशा खुश रहेंगे और आपके जीवन में धन धान्य हमेशा भरपूर रहेगा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जीएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।